गाइस आपको भी अगर मेरे जैसे अपने पेटीएम अकाउंट पे केवाईसी करना है, आप भी अगर पेटीएम का केवाईसी करना चाहते हैं और आप अगर अभी तक पेटीएम की केवाईसी नहीं कर पाए हैं और आप करना चाहते हैं सिर्फ घर पे बैठे बैठे अपने पेटीएम पे केवाईसी, तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम अकाउंट पे केवाईसी कैसे कर सकते हैं, वो भी सिंपली 10 मिनट पे अपने घर के मतलब घर पे बैठे बैठे। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक फ़ोन चाहिए जिसके थ्रू आप पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस कमल का वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो घंटी आता है उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस आज की इस कमल का वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पेटीएम का केवाईसी बहुत दिनों से अटका हुआ है, क्योंकि जैसे ही जानते हैं जो है आधार कार्ड अभी तो पेटीएम पे नहीं ले रहा है, तो कैसे आपको पेटीएम का केवाईसी करना है सब कुछ मैं आपको डिटेल्स पे डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे जो केवाईसी हो चुका है और मैंने इस केवाईसी को करीब 10 दिन के अंदर अंदर कर लिया है। बट आपको सिंपली 10 मिनट का काम करना है। 10 मिनट का काम करने के बाद आप सिंपली 10 डे मतलब 10 डे वेट कीजिए, तो 10 डे के अंदर अंदर आपका केवाईसी यहाँ पर हो जाएगा। तो कि मैंने कैसे किया उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। और जैसे कि आप जानते हैं आप अगर पेटीएम का केवाईसी नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी मनी सेंड नहीं कर पाएंगे, किसी के पास मनी रिसीव नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ गोल्ड का यूज करके यहाँ पर काम चला सकते हैं। बट आपका अगर पेटीएम की केवाईसी हो जाएगा तो आप सारा कुछ यहाँ पर काम अपने पेटीएम पे आके कर सकते हैं। और पेटीएम की केवाईसी फिलहाल ही बहुत ज़्यादा स्टेट पे अवेलेबल नहीं है। तो पेटीएम की केवाईसी करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको सिंपली पेटीएम एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर सबसे पहले जाना है। सिंपल मैं जैसे प्ले स्टोर पर जाता हूँ, प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पेटीएम, ठीक है, पेटीएम आपको लिखना है। मैं आपको जो जो स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए। पेटीएम लिखने के बाद आपका पेटीएम अपडेट कर लीजिए, आपका अगर अपडेट वर्सन नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद सिंपल पेटीएम को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 24x7 हेल्प। यहाँ पर आप गाइस जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ पर गाइस आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम केवाईसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेटीएम केवाईसी ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप मतलब कौन सा टाइप का केवाईसी करना चाहते हैं। यहाँ पर आप दिखा मतलब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस इस नीचे वाला ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके यहाँ पर केवाईसी करना होगा। तो सिंपली मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको आई वॉन्ट टू नो जो है दिस प्रोसेस द लिंक माई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो इस ऑप्शन पर आप कैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर गाइस आपको फिर से क्लिक करना है और फिर से क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर अपना जो है एक मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आप अपने केवाईसी करना चाहते हैं। बट केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और नेम लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। तो आपको भी ऐसे करके अपना नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको सब कुछ करके बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डालना है, उसके बाद पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद मोबाइल का नंबर, स्टेट, नॉमिनी एड्रेस, ये सब कुछ आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको एक अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। और आपको सबसे पहले अपना पेटीएम का जो केवाईसी अकाउंट है मतलब जिस अकाउंट पर आप केवाईसी करना चाहते हैं उस अकाउंट पर आप आइए। और अकाउंट पर आने के बाद आप केवाईसी पर क्लिक कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद उस ऑप्शन को यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। तो आप जैसे यहाँ पर सेंड का ऑप्शन पर गाइस जैसे क्लिक करेंगे आपका मिनिमम यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पर मिनी केवाईसी हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। गाइस आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर पसंद आई हो फिर भी लाइक कीजिए। तो चलिए गाइस आज की इस कमाल का वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।